सो गाइज यहाँ पे दीदी आ रखी है वहां से, सॉरी कहाँ से, कोटद्वार से हमारी मेकअप आर्टिस्ट, और यहाँ पे भाभी का थोड़ा सा डार्क मेकअप हो रहा है ससुराल के हिसाब से, और देखते हैं आगे। और हाँ, इसका शॉट आपको जल्दी ही मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही प्यारा सा। क्यों भाभी? जल्दी मिलेगा, जल्दी अभी 5 मिनट बाद आएगा इसका रिजल्ट। तो भैया आज हमारा कृष्णा विशु को उठा रहा है, उठाओ भैया, बोलो भैया। सो यहाँ पे मॉर्निंग में विश उठते हुए हम जा रहे हैं, यहाँ पे रोटी बनते हुए अश्मित जी पता नहीं क्या निकालते हुए, भैया अपना फोन चलाते हुए, दीदी अपना ड्रेसअप होते हुए, भाभी अपने आप को निहारते हुए व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा, हैरी बिस्किट खाते हुए। सो ये हमारे हैरी, हमारे विशु, हमारी दीदी रेडी हो चुके हैं। कहाँ जाने के लिए? पता नहीं। भरपूर बोलो भरपूर। हैरी हैरी तो पार्टी कर रहा है ऐसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, दादी के घर को कर रहे हैं बाय बाय, चलते हैं यार। गांव से जाने का किसका मन करता है, पर जाना तो पड़ेगा। मिलजुल के रहते हैं, ठीक है मम्मी, लड़े कुछ सो मैणा गांव से विदाई लेते हुए सब लोग, मैणा गांव को हम कर रहे हैं बाय 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 बाय। सो गाइस, हम सब लोग बाइक से पता नहीं कहाँ आ गए, देख रहे हो आप, क्या खतरनाक पहाड़। सो गाइस, हम क्या खतरनाक पहाड़ियों में खड़े हुए हैं ना। राइडर को देखो, राइडर को So guys, अब अश्विन जी की बारी है इस धुआंधार पहाड़ी में चढ़ने की। भैया तो निकल गए आराम से, स्कूटी भी कट गया। सो गाइस, ये जितना डिफिकल्ट दिख रहा है ना आपको, उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है रास्ता। हैरी शेर कैसे करता है? हाय हाय, कैसे करता से? आई। देखो ये सब लोग निकल गए और आप देख रहे हो क्या खतरनाक पहाड़ी है, नीचे से आया हम अभी। हरी शेर कैसे करता है? आई। आई। तुमने बढ़िया स्टाइल्स का। बैठो बैठो बैठो। आई। आई। तंगे हाँ, ये तोड़ रहे हैं हिसोले, ये हिसोले का इंतजार कल से कर रहा हूँ मैं। देखो अब मैं अश्मित जी को खिलाने वाली हूँ। So guys, ये है हमारे पहाड़ के हिसोले। लो मैंने कृष्णा को दे दिया हिसोला, चाहिए हमारे घर का कन लग दी ना, इतना कांडा हुंदी ना यूं हिसोलो पर, जो चिपक जाल तो फिर चिपक ही जाल। हमारे भाभी तो इस बाइक में बैठे खानी भाई आइटम है। हमारे गांव की रोड अब बनने वाली है, कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगी। एक पुल तो बन चुका है, दूसरा पुल और रेडी हो जाएगा, फिर हमें नौगो खाल जाने की जरूरत नहीं है। वो देखो सामने क्या है, हमने सोचा वो बाघ है, बाघ लग रहा था पीछे से वो। उसकी जब मुंडी में देखी थी बाघ लग रहा था। मैना गांव का रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाएगा। मैं मुझे मम्मी को कौन सी सड़क देखनी है, फूटा रास्ता होता है खत्म, एंड यहाँ से उम्मीद की किरण आती है नजर। सो आप देख पाएंगे हमारे अश्मित राइडर हमें ले आए हैं उम्मीद की किरण के बिल्कुल पास। ये हमारी उम्मीद की किरण, हम पहुँच गए हैं, हमने अपनी सीमा जीत ली। So guys, I'm a
पहुंच चुके हैं भरपूर। सो गाइस हैरी कैसे हैरी सो गाइस हम यहाँ पे पता आम के पास पहुंच गए हैं। आई डोंट नो कि आपको आम दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे। कितना बड़ा पेड़ है देखो। पानी मैंने नहीं रखा तो किसी ने रखा ही नहीं है। देखो भाई मम्मी कह रही पानी नहीं रखा किसी ने। सो गाइस मैं अभी कितनी लाचार हूँ। मेरे ऊपर आम है और मैं आम तोड़ भी नहीं सकता। आम का पेड़ तो है। वाओ हाँ भाई आ जाएगा आ जाएगा भाभी। अय्या वाओ देखो मैंने तोड़ लिए। सुन ओए अरे चल आम भी खाएंगे और बहुत मजे करेंगे। सो गाइस इतने तोड़ो फाइनली हमने आम के पेड़ में से चुन्नी में एक और पहाड़ी डॉगी आ चुका है हमारे पास और हम पहुंच चुके हैं कहाँ भरपूर। ये है हमारा नानी का गांव भरपूर और दूसरा डॉगी ये हमारा ये वो होगा क्या ये नानी वाला होगा क्या। सो गाइस अभी हम भरपूर पहुंच चुके हैं आम वाम खा पी के ठीक है। थोड़ी देर मतलब आधा से एक घंटा स्टे करेंगे नानी के पास। एंड जो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आया है मैं नहीं जानती पर मैं तो अपनी नानी के हाथ के ना बढ़िया वाले दाल चावल खाने आई हूँ ठीक है। नानी के हाथ के दाल चावल आपको ना मतलब पहाड़ी गांव में हर नानी के घर के दाल चावल बहुत टेस्टी होते हैं पर मेरी नानी के हाथ के दाल चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं तो मैं तो भाई वही खाने आई हूँ। उनके हाथों में स्वाद है भर भर के तो अभी उन्होंने बना रखा होगा दाल चावल हमारे लिए तो हम खाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। एंड आप हमारे डॉगी से मिलिए। आप देखो ना पहाड़ के कुत्ते कैसे होते हैं ना पहाड़ के जो डॉगी होते हैं ना बहुत ही अलग टाइप के लगते हैं एकदम से। उनको देख के पता कौन सा फील आता है बाघ वाला फील आता है कैसा लगता है कि जैसे हम बाघ को देख रहे हैं। इधर देखो मेरे बच्चों को देखो ना कितने प्यारे है ना देखो कुछ भी नहीं बोल रहा है। हैरी सो गाइस ये लोग आके चले गए मुझे छोड़ के और हैरी को लेके मेरी सांस पे सांस फूल गई है। सो गाइस ये देखो भरपूर गांव के प्यारे प्यारे से बढ़िया बढ़िया आम देखो कितने सारे लगे हुए हैं। नींबू भी लगे हैं देखो सारी चीजें गांव में ही अवेलेबल है। कच्चा आम हो गया नींबू हो गया माल्टा हो गया धनिया हो गया मिर्ची हो गया बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात पता क्या है यहाँ का ना जो खाना होता है ना इतना स्वादिष्ट होता है ना आपका मोमो चाउमीन ये पकोड़े रखे हैं बाद में बात करते हैं पहुंच गए हैं अभी। सो गाइस ये है अखरोट कच्चे वाले। तो गाइस चुपके चुपके मैं अपने नाना को देख रही हूँ चुपके चुपके मेरे नाना देखो खाना बना रहे हैं। उनको किसी का कोई पता नहीं है कि कोई आ रहा है। नाना जी चल जाओ तुम फोन निकल लो। तो भाई मेरी नानी ने क्या बनाया भाई आज है नानी इधर देखो नानी हाय कर दो सबको। तो भाई मेरी नानी ने मस्त पनी भात सब्जी खाई है नानी नानी ये लौकी की अच्छा लौकी नानी ये क्या रहता प्याज बाप मेरी नानी तो कद का बड़ी हूँ। तो भाई कैसे हो रही है खातिरदारी अश्विन जी बढ़िया।
नानी का असली प्यार छुपा है इस पीले वाले डब्बे में, पीले वाले डब्बे में नानी का तो प्यार छुपा है। देखो नानी इतना गद करने जाला ना ना बहुत चला। सो गाइस अभी खाना हमने खा लिया है, अब ना आपको थोड़ा सा भरपूर गांव का मतलब मेरी नानी के गांव को आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसा है। धूप बहुत ज़्यादा तेज है जिस वजह से आपको बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और मेरे पीछे पूरा पहाड़ है एंड यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पहाड़ी है। चलो मैं अपना फेस कम दिखाती हूँ आपको, पहाड़ियाँ ज़्यादा दिखाती हूँ।